अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जाओ तुम लोग अब, ठीक हूं मैं, जा। आओ जी, अब कहां ठीक है, और वैसे कुछ भी तो ठीक नहीं, सब बिखरता जा रहा है, परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ। हौसला मत हार, ऐसे बुरे वक्त में इंसान का सबसे बड़ा साथी हौसला होता है। ये है मिस्टर अंशुमन झा और इन्होंने मेरी मां पर गोली चलाई। इस सब का कारण है ही लड़की, ही लड़की। बड़ी मां, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? क्या जरूरत थी सुमन को घर से बाहर निकालने की? जिसका जो जगह है उसे वहीं रहना चाहिए। देख रहे हो छोटकी का हालत है? सारा दुनिया उस लड़की सुमन को ही दोषी मान रहा है, लेकिन तुम उसके लिए बेचैन हुए जा रहे हो। जितना कुछ हुआ है ना, उसके बाद भी क्या उसको सर पे बिठा के रखना है? बड़ी माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सुमन को कभी कुछ नहीं कहेंगी। आपको कोई अधिकार नहीं बनता उसे घर से बाहर निकालने का। बार बार यही क्यों भूल जाती है आप कि वो पत्नी है मेरी? इतनी है वो मेरी? अरे सुमन 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 विधवा, पूरा घर निकल गई लड़की, पूरा घर निकल गई, फिर भी उसी के नाम का माला जप रहा है। हे भगवान जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। हम अपने घर को छोड़ सकते हैं और ना हम अपने पति अंशुमन जी को, लेकिन हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि हमारा पूरा परिवार कितने मुश्किल, कितने परेशानियों से गुजर रहा है। ये सब नहीं देखा जा रहा है। भगवान जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, अब आप भी कोई चमत्कार दिखाइए। Thank you.
बेटा। दादाजी इसे प्रभु का चमत्कार कहो या इशारा, मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे। सुमन मध्य रात्रि के उपरांत सीता नवमी का मुहूर्त शुरू हो गया है बेटा। इस दिन सुहागनी अपने पति के लिए व्रत रखते हैं और ये व्रत रामनवमी के ठीक एक महीने के बाद आता है। नाना जी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस व्रत को पूरा करने की विधि क्या है? हम ये व्रत करना चाहेंगे। अवश्य बेटा। आओ, तुम्हें पूरी विधि बताता हूँ। आओ। अंशुमन बेटा, मान जी माता सीता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। आओ तुम भी। गंगा मैया ने विवाह किया था शांतनु के साथ, उन्हें शाप मुक्त करने के लिए। शाप मुक्त करना बहुत बड़े धर्म की बात होती है। और दूसरी ओर तुलसी मैया ने धरती पर जन्म लिया नारायण से मिलने की आशा पे, और नारायण तो धरती पर एक ही दिन आते हैं, बाकी समय वो वैकुंठ में रहते हैं। इसीलिए दोनों देवियों के पास स्थित माटी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। और तीसरी ओर सीता मैया को ले लीजिए, हल के नुकीले धारदार फार के छूने से वो धरती से बाहर निकली, और उनका जन्म ही उनके जीवन का संकेत देता है कि उनका जीवन धार के ऊपर ही चलेगा। वो सदा अपने आप को साबित करने में ही लगी रहेंगी। उन्हें भी कहां मिला पति का सुख। अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी उन्हें राम को त्याग कर वन की ओर जाना पड़ा। मिस्टर अंशुमन झा कौन है? जी मैं ही हूं अंशुमन झा, कहिए क्या काम है? मिस्टर अंशुमन झा, आपके लिए एक नोटिस है। आपकी पत्नी श्रीमती सुमन झा ने आपसे अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। हे माँ सीता, आप तो साक्षात देवी हैं, फिर भी आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। राम जी को रामराज में उनकी प्रजा सवाल ना पूछे, इसलिए आपने राम जी को ही त्याग दिया। आपके त्याग की वजह से उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम कुल, कर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी परीक्षा देंगे। सीता माता, हमारे अंशुमन जी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हम अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुरभि माँ ने एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार दिया, हमेशा हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखा, माँ की ममता दी। एक बेटी को वो सारा प्यार दिया जो एक माँ देती है। माँ के रूप में सुरभि माँ, पिता के रूप में पापा, दादाजी, बड़ी माँ, एक अनाथ लड़की को भरा पूरा परिवार दिया।
आज उसी परिवार के लिए हमें अग्नि परीक्षा देनी होगी, इसलिए हम अंशुमन जी को त्याग कर उनसे अलग होकर ये अग्नि परीक्षा देंगे। हम अंशुमन जी को हमेशा अपने दिल में वैसे ही बसा के रखेंगे जैसे आप राम जी को रखती हैं। आप हमें शक्ति दीजिए। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।